नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आई एस अकेडमी में। आज का डेट है 18th of July एंड आज के आसाम ट्रिब्यून के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज इन आसाम। जी हाँ, आसाम ट्रिब्यून के फर्स्ट पेज में ही ये दिया है दैट एक रिपोर्ट है जो कि निकला था जिसका टाइटल था टूवर्ड्स जस्टिस एंडिंग द चाइल्ड मैरिज। इस रिपोर्ट ने अनवील किया है दैट जो आसाम में क्रैकडाउन हो रहा है ना, और साथ ही साथ इंडिया के ओवरऑल लेवल में जो क्रैकडाउन हो रहा है ऑन चाइल्ड मैरिज, उसके बारे में कहा जा रहा है। हेडिंग है रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज। अगर स्टैट्स को देखिएगा तो क्लियरली बोला गया है दैट इंडिया का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट है ना, उसमें रिवील किया है 81% रिडक्शन हुआ है चाइल्ड मैरिज अक्रॉस आसाम में। और ये डेटा है रफली ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कंपेयर किया गया है 2021-2022 से लेकर 2023-2024 के बीच में, राइट। इसमें बोला गया है अराउंड 30% विलेज में है ना, रफली कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है चाइल्ड मैरिज, राइट। और 40% ऑफ रिपोर्ट में तो क्लियरली बोला गया है दैट हाँ, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन भी हम लोग को देखने को मिला है। अगर देख लीजिएगा ये डेटा 2021-2023-2024 उसके बीच में ओवरऑल डिक्लिनेशन देख लीजिएगा, वेरियस डिस्ट्रिक्ट दिए हुए जैसे बक्सा डिस्ट्रिक्ट, काशार डिस्ट्रिक्ट, चिरांग डिस्ट्रिक्ट। अब देख लीजिएगा 2021 से लेकर 2022 के बीच में कितने सारे ऐसे नंबर ऑफ छोटी छोटी बच्चियां थी जिनको 18 साल से कम उम्र में ही शादी दे दिया गया, वो था 50 है ना। 2022-2023 में ये बढ़ के हुआ और भी 10 बढ़ा, दैट इज 60 हुआ। बट बाद में क्रैकडाउन के कारण जो है ये घट के हुआ 30, राइट। मतलब ओवरऑल ये जो प्रोपोर्शन घटा बाई 40%। वैसे ही काचार, चिरांग, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, राइट। धुबरी में देख लोगे चाइल्ड मैरिज देख लो कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, सबसे गया गुजरा हुआ जो यहाँ पर डेटाज है वो आपको दरांग में दिख रहा है। कैन यू सी दैट? इट इज़ 824। उसके बाद जो है 2021-2022 में वो था रफली अराउंड सोनितपुर में, राइट। बट अगर डिक्रीमेंट देखोगे, डिक्रीमेंट में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट किस रीजन में हुआ है इस पीरियड के बीच में, वो है आपका जोरहाट पहला, देन कम्स नौगांव, और तीसरा है आपका कामरूप मेट्रो, जिसमें कामरूप मेट्रो इज़ द बेस्ट। वाई? बिकॉज इसमें अगर नंबर्स देख लोगे, ये पहले भी जीरो थे और बाद में भी जीरो थे, राइट। तो इसीलिए ये नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हम लोगों को देखने को मिले, इसलिए यहाँ पे 0% है। इसका मतलब ये मत समझिए दैट द परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। नो, परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज सबसे गंदा किसका परफॉर्मेंस है, वो है ग्वालपारा, मात्र 8% इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है 2021-22 से लेकर 2024 में, है ना। भले ही हाँ, अगर प्रीवियस ईयर्स देख लीजिएगा उससे तो रिड्यूस होते हुआ देख रहा है। तो ये जो डेटा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी वाला डेटा है जहाँ पे आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोपोर्शन दिए गए हैं। सो इन टोटल अगर देख लीजिएगा, जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज किए गए उसमें इन टोटल अराउंड 81% हम लोग को रिड्यूस होता देखने को मिल रहा है इन चाइल्ड मैरिज इन आसाम। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, राइट। तो इस रिपोर्ट के डिटेल्स को अगर हम लोग देखें तो यस, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था न्यू दिल्ली में। इसका टाइटल था टूवर्ड्स जस्टिस एंडिंग द चाइल्ड मैरिज। और ये रिपोर्ट रिलीज कब किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। नाउ इसमें क्लियरली बोला गया है दैट असम के मॉडल को हाईलाइट करते हुए बोला गया है दैट देखो भाई, असम का जो अप्रोच है ना, वो इतना अच्छा है दैट यही अप्रोच अगर नेशन वाइड मॉडल के रूप में हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे देश में, तो चाइल्ड मैरिज को बहुत हद तक घटाया जा सकता है। इनफैक्ट अगर पब्लिक परसेप्शन भी अगर इसमें देख लीजिएगा ना, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में जब ये सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया दैट 90% से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में अरेस्ट और FIR। मतलब ये तो अच्छी बात है ना भाई, दैट अगर लोग डिमांड कर रहे हैं दैट हाँ, जहाँ चाइल्ड मैरिज वहाँ पे अरेस्ट और FIR करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट 98% तो बिलीव कर रहे हैं इन प्रोसिक्यूशन इज क्रूशियल इन डिटरिंग द चाइल्ड मैरिज। जी हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं करोगे क्रिमिनल्स को, तो ये तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा ना चाइल्ड मैरिज को। इसलिए इस रिपोर्ट में कुछ कुछ रिकमेंडेशंस किया गया है।
पहला तो रिकमेंडेशंस दिया गया है दैट चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एनालाइज मतलब सेटअप किया गया है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या काम है दैट कोई भी चाइल्ड के रिलेटेड अगर केसेस आए उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, है ना। क्योंकि नॉर्मल जो केसेस है वो तो सालों साल रुक जाते हैं, आप चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम हो रहा है उसके केस भी अगर सालों साल रुक गया तो कैसे चलेगा भाई, है ना। इसलिए बोला जा रहा है दैट इसमें रिपोर्ट में कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया गया, जैसे बोला गया है हम लोग को और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिससे जो भी बैकलॉग्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। साथ ही साथ हम एक प्रपोजल दिया गया दैट क्यों ना हम लोग पनिशमेंट को डबल कर दे, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, पनिशमेंट डबल इन द सेंस जो पनिश कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है वो तो पनिशमेंट उसको मिलेगा ही, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या फैसिलिटेट करते हैं क्राइम को, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट क्राइम फैसिलिटेटर्स को भी हम लोग को सजा देने की यहाँ पर ज़रूरत है। और लीगल चैलेंज कहीं ना कहीं ये नेशन वाइड देखा जा रहा है, बोला जा रहा है ओनली 181 आउट ऑफ इतना चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज केसेस जो है इसको कंक्लूड किया गया था 2022। ये तो बहुत कम है ना, इतने सारे केसेस में मात्र 181 केसेस ही किए गए, है ना। और पेंडिंग केसेस तो ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट एक पोटेंशियल 19 ईयर वेट टू क्लियर द बैकलॉग एट करंट ट्रायल रेट, मतलब ये पेंडिंग केस अगर इतना रेट से होता रहा तब तो 19 साल लग जाएंगे, और 19 साल में बच्चा तो बड़ा हो जाएगा भाई, है ना। तो जो भी क्रिमिनल है वो भी पता नहीं रहेगा क्या नहीं, राइट। सो ओवरऑल इस रिपोर्ट में यही बोला गया है दैट हम लोग को अपने लीगल सिस्टम में चेंजेस और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और हम लोग को रेप्लीकेट करने की ज़रूरत है आसाम के सक्सेस मॉडल को, जिससे क्या हमारे देश को ओवरऑल चाइल्ड मैरिज फ्री नेशन बनाया जा सके। नेक्स्ट ये भी आसाम ट्रिब्यून से लिया गया, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, बोला जा रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है ना बाय टाटा ग्रुप, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन बूस्टिंग द इंडस्ट्रियल सिनेरियो इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट। आपको तो पता है दैट ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है ये मोरीगांव में सेटअप किया जा रहा है, और इसके लिए लैंड लीज एग्रीमेंट रिसेंटली कंक्लूड किया गया है फॉर ₹25,000 करोड़, राइट। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक मार्क कर रहा है द लार्जेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पूरे स्टेट में। तो सवाल होता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसमें ओवरऑल कैसे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप चेंज होने वाली है। देखो इससे तो पहला बात है दैट रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बूस्ट होगा ही, दैट इज़ प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट सिग्निफिकेंटली इन्हांस किया जाए नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, बट साथ ही साथ ये एलिमिनेट करेगा द नीड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्स टू सीक सेमीकंडक्टर एक्सपर्टाइज अब्रॉड। इनफैक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस और अप्रूवल की अगर बात करें यट ये कहीं ना कहीं सिग्नल करता है इंडिया का कमिटमेंट, जिससे बोस्टर किया जा सके डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंडिया में, राइट। और इसके इकोनॉमिक और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो यस, इससे जॉब क्रिएशन भी होगा और इसमें इकोनॉमिकली रिपल इफेक्ट भी आएगा। जैसे बोला जा रहा है देखो ये जो है ना रिपल इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट, जैसे अगर सेमीकंडक्टर का प्लांट बनेगा तो फर्दर फ्यूचर में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बैठेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बैठेंगे, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट अदर ऐसे प्रोडक्ट जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो सब बैठेंगे। यही नहीं बोला जा रहा है बाय 2026, पार्डन मी गाइस, सो बेसिकली मैं ये बोल रहा था दैट 2026 तक तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर ओवरऑल सिनेरियो है ना, जिससे क्या ऑफ कोर्स हम लोग अलग अलग एरिनाज में अनडाउटेडली हमला परचम तो गाड़ ही सकते हैं, बट साथ ही साथ इससे अराउंड 3 लाख से भी ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी, ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग में बल्कि टेस्टिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में भी। और इसका पोटेंशियल क्या है आने वाले 5 सालों में, बोला जा रहा है दैट इंडिया जो है इस्टेब्लिश करेगा आने और भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग एज वेल एज पैकेजिंग फैसिलिटी, और इंडिया का जो रोल है इन सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन दुनिया में ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इससे जो है स्किल डेवलपमेंट्स में भी इंडियन गवर्नमेंट फोकस करेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, इन सब सेक्टर्स में भी काफी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है इन इमर्जिंग सेमीकंडक्टर फील्ड फॉर द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सो एक डिफरेंट अदर स्टेट्स के लिए भी लेसन्स है दैट अदर स्टेट को भी एक्सेल करना पड़ेगा अपना प्रोएक्टिव गवर्नेंस को, जिससे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में उनके यूथ्स को एम्पावर किया जा सके। और ओवरऑल ये जो मोरीगांव में प्लांट सेटअप होने वाला है अनडाउटेडली आसाम एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट के लिए एक माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बूम अप होने वाली है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।